वेलकम टू जीएस नॉलेज। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ डिस्कशंस करने जा रहा हूं आपके साथ। उस टॉपिक का नाम है इलेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चुनाव। ये ऐसा शब्द है कि शायद एक छोटा से बच्चा से लेके और जो भी जिनकी उम्र हो गई है, हर एक को ये शब्द चुनाव से वाकिफ है। मीन्स वो इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्रयोग भी कर चुके हैं और आगे भी प्रयोग करेंगे। इलेक्शंस एक हमारे माइंड में एक ऐसा शब्द है जो हर वक्त सुनने को मिलता है। क्यों सुनने को मिलता है? क्योंकि इंडिया, भारत जो हमारा देश है, हम लोग कह सकते हैं लैंड ऑफ इलेक्शंस, लैंड ऑफ इलेक्शंस यानी भारत निर्वाचन का देश है। जब भी देखिए एक ना एक इलेक्शंस होते रहते हैं, कभी हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शंस है, कभी देखिए तो असेंबली का इलेक्शंस है, कभी पंचायत का इलेक्शंस है, कभी अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शंस है, कभी किसी का इलेक्शन, कभी किसी का इलेक्शन। हर वक्त इलेक्शंस हमारे देश में होते रहते। इलेक्शंस का मौसम अभी भी चल रहा है। अभी अभी इसी महीना में कुछ दिन बाद, यानी चंद दिनों हम कह सकते हैं, यूपी और पंजाब और कई इंडियन स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, भारत इलेक्शंस का देश है। और हम ये कह सकते हैं हमेशा यहाँ पे इलेक्शंस होते रहते, एवरी टाइम इंडिया में इलेक्शंस होते रहते। लेकिन हम लोग तो सिर्फ चुनाव जानते हैं, क्या ये हम जानते हैं ये शब्द चुनाव किस सिस्टम से लिया गया हमारे संविधान में? क्या आपको पता है? नहीं पता है ना, तो आइए मैं आपको आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं। ये जो शब्द इलेक्शंस है, ये जो हम लोग बोरोड किए हैं अपने संविधान में, ये कहां से लिए हैं? ग्रेट ब्रिटेन। यानी ये इलेक्शन जो शब्द है, हम लोग ग्रेट ब्रिटेन से बोरोड किए हैं। और हमारे भारत के संविधान में ये जो पार्ट जो है, जो संविधान के पार्ट है, उस पार्ट में कौन सा पार्ट में है इलेक्शंस के बारे में डिस्कशंस? पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में हमारा भारत का संविधान पार्ट 15 में डिस्कशंस करता है। इलेक्शंस मींस चुनाव के रिलेटेड, समझ रहे हैं ना? तो आइए हम सबसे पहले जानें कि ये चुनाव एक्चुअली होता क्या है। तो चुनाव मींस इलेक्शंस यह वो प्रतिक्रिया है जहां पे लोग अपने हिसाब से लोग किसी अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं, और उस जब वो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, जब या असेंबली में बैठे या पार्लियामेंट में बैठे बन के वो वहां से कानून बनाते हैं, और जब वो कानून बनता है हमारे ऊपर, जिस भी देश में हम लोग रहते हैं वहां पे वो कानून लागू होता है, समझ रहे ना? तो इसमें कौन भागीदारी करते हैं, कौन भागीदारी लेते हैं? आम जनता मींस पीपल। पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और चुन के उनमें जो पार्टी को उन्हें लगता है या जो प्रतिनिधि को लगता है कि उनके पास ज्यादा काबिलियत है, ज्यादा वो काम करने वाले शख्स हैं, तो लोग उन्हें वोट देकर भारी मतों से जिताते हैं, और जीत के जाते हैं तब उन्हें लोग देखते हैं क्या ये प्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझे ना? तो इलेक्शंस को हम लोग सिंपली में कह सकते हैं कि चूजिंग मींस लोग अपने समूह में, अपने ग्रुप में चुनते हैं, और चुन के उसे ज्यादा मत देकर विजयी बनाते हैं, समझे ना? ये शब्द को हम इलेक्शंस कहते हैं। ये इलेक्शन वही तंत्र है कि जिसको लोग के द्वारा चुना जाए अपने प्रतिनिधि को। अब एक शब्द आता है फिर इलेक्शन, इलेक्शंस, ठीक है, और सिलेक्शंस में क्या अंतर है? कभी कभी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं,
अगर इलेक्शंस का मतलब होता है चुनाव, तो सिलेक्शंस मतलब उसी इलेक्शंस में जब प्रतिनिधि लड़ते हैं तो उसी में से ना सिलेक्शंस किया जाता है। तो फिर इन दोनों में इलेक्शंस और सिलेक्शंस में अंतर क्या है पता है आपको? बहुत मामूली डिफरेंस है, मींस थोड़ी सी अंतर है। इलेक्शंस क्या है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? औपचारिक। इलेक्शंस क्या है, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है और ऑर्गेनाइज हुए, ऑर्गेनाइज हुए मींस औपचारिक और एक संगठित तौर तरीके से हम अपने प्रतिनिधि को जब चुनते हैं एक तंत्र के द्वारा, उसे हम इलेक्शंस कहते हैं। सिलेक्शंस क्या है? तो सिलेक्शंस क्या है, एक रेंज ऑफ चॉइस है। ये एक रेंज ऑफ चॉइस है, मींस हम अपनी एक पसंद की दायरा को, उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है उसे हम चुनते हैं, उसे हम रेंज ऑफ चॉइस कहते हैं। समझे ना बात, रेंज ऑफ चॉइस। तो सिलेक्शंस का मतलब ये होता है, जो कुछ मान लीजिए हमें कई तरह के बिस्किट दिया गया, हॉर्लिक्स का दिया गया, नेस्ले का बिस्किट दिया गया, ब्रिटानिया का दिया गया। अब मान लीजिए ये बिस्किट्स है, तो इस बिस्किट में से हम क्या करेंगे, इनमें जो हमें पसंद आएगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यानी मेरे पास क्या है, चॉइस इतना है, और उनमें से जो एक मन हमारा पसंद करता है उसको हम जब सेलेक्ट करते हैं, अपने मन पसंद को चुनते हैं, उसको हम सिलेक्शंस करते हैं। पर इलेक्शन में इस तरह नहीं होता है। इलेक्शन में इस तंत्र के द्वारा जिसे हम चुनते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों की पसंद होता है, और वो भारी मतों से उसे हम जिताते हैं औरों के मुकाबले, तो उसे हम इलेक्शंस कहते हैं। समझे ना, इलेक्शंस और सिलेक्शंस में क्या अंतर है, यही अंतर है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो लोग ये पूछते हैं इलेक्शंस और सिलेक्शंस दोनों एक ही है। नहीं, इलेक्शंस में कितने रुपए खर्च किए जाते हैं, सिलेक्शंस में उस तरह है नहीं। सिलेक्शंस कोई भी आदमी को अपने चॉइस के हिसाब से चुन लेगा तो हमारा सिलेक्शंस होता है। और इलेक्शंस जो है ये तंत्र है, और सिलेक्शन उसका इलेक्शंस का एक पार्ट है, हिस्सा है। समझे, तो ये रहा शब्द हमारा इलेक्शंस और सिलेक्शंस का अंतर। अब आइए हम ये जानें कि इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, निर्वाचन कराने की जरूरत क्यों पड़ती है। मींस हम ये कह सकते हैं, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, नीड इलेक्शंस, व्हाई, सवाल है व्हाई, क्यों हमें निर्वाचन की जरूरत पड़ती है, चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हम जानते हैं? इसलिए जरूरत पड़ती है, अगर चुनाव में मान लीजिए, अभी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए अभी हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, पिछले बार भी थे और इस बार भी थे, अगर आगे भी वो रहेंगे और फिर उसके बाद भी रहेंगे तो क्या होगा? हमारा ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो उनका अधिकार है, वो कितने बार भी इलेक्शंस में उठे और वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं वो जीतते जा रहे हैं तो क्या होगा? अगर वो जीतते जा रहे हैं, काम अच्छा करेंगे तो यकीनन सी बात है जीतेंगे, लोग उनको पसंद कर रहे हैं तभी ना जीत रहे हैं, तभी ना लोग उनको भारी से भारी मतों से जिता रहे हैं। तो जब वो जीतते जाएंगे तो इलेक्शंस की जरूरत फिर क्यों पड़ती है? तो इलेक्शंस की जरूरत, नीड इसलिए पड़ती है कि हर 5 साल, मींस एवरी फाइव ईयर्स, यानी हर 5 साल में निर्वाचन होता है, मींस चुनाव होता है। तो लोग, मींस जो हम लोग लोग हैं, आम लोग हैं, ये हम लोग नेताजी लोग को टेस्ट लेते हैं,
जिंदगी में तो हम लोग बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, लेकिन हर 5 साल में अब हम लोग नेताजी लोग को टेस्ट करते हैं और नेताजी लोग परीक्षा देने आते हैं। बड़े नर्वस भी होते हैं क्योंकि 5 सालों में जो पिछले बार उन्होंने जो वादे किए थे अब उनका वो पारी रहता है टेस्ट देने का। तो जो अच्छे से तैयारी किए हैं, अच्छे से तैयारी का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने अच्छे से काम किया, जिन्होंने अपने वादे को हिसाब से लोगों को सेवा किया, लोगों को मेवा दिया, लोगों को पूरे अपने एक समूह में सबको एक सम्मान देखा, तो वो तो जीतेंगे, वो तो अपने परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने कभी जीतने के बाद अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मीन्स अपने निर्वाचन क्षेत्र में कभी आए ही नहीं, उनका क्या होगा? यकीनन सी बात हो, फेल होंगे। इसलिए नेताजी लोग बहुत नर्वस होते हैं। अभी देख लीजिए यूपी में इलेक्शन हो रहा है, होने जा रहा है, देख लीजिए हर एक पार्टी लंबे लंबे वादे करेंगी, लंबे लंबे दाव करेंगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वोट देने से पहले पिछले 5 साल का आप उनका रिपोर्ट कार्ड तो मांगिए, बोलिए नेताजी लो अपना 5 साल पहले जो वादे किए थे उसके बारे में थोड़ा सा तो बता दीजिए, क्या कहे थे, क्या किए, तब परीक्षा में पास होंगे, नहीं तो अब हम लोग फेल करेंगे, समझे ना। तो चेंज करने के लिए 5 साल क्यों हमें क्यों इलेक्शंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चेंज, अगर हम चेंज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो लोग डिक्टेटरशिप हो जाएंगे। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होगा, अब उनके मन में ये बात रहेगी कि वो तो कभी हारेंगे ही नहीं और जिस तरह हम चाहेंगे उस तरह हम चलाएंगे। इसलिए हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र ये हमें अधिकार देता है कि हर 5 साल में उनकी हम परीक्षा लें और उस परीक्षा में ये देखें वो पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि 5 साल के बाद अगर हमें लगता है जरूरत पड़ेगा कि हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जीत के जाएंगे तो कानून तो वही लोग बनाएंगे, पार्लियामेंट में बैठ के कानून वही लोग बनाएंगे, जब वो कानून बन के आएगा हमारे ऊपर लागू होगा तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर, हम आम जनता के ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो सावधान रहिएगा, हर घर नेताजी लोग घूमेंगे, हर घर, ठीक है, आप सोच समझ के वोट दीजिएगा। तो इसलिए इलेक्शंस की जरूरत पड़ती है टू चेंज द 5 इयर्स आफ्टर देयर वर्क रिकॉर्ड, काम के हिसाब से, इसलिए इलेक्शंस की जरूरत पड़ती है। और फिर उनके हिसाब से अगर लगता है कि अगर वो पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही, अगर वो सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, तो दूसरे आदमी को मौका दिया जाता है, तब फिर लोग 5 साल देखेंगे, इंतजार करेंगे, समझे ना। इस वजह से इलेक्शंस की जरूरत पड़ता है। इलेक्शंस नहीं होगा तो एक आदमी चाहे जो भी हो, चाहे जिस पार्टी का हो, वो क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, और डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। फिर फर्क क्या रह जाएगा डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में, समझे ना। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा था कि इलेक्शंस की व्हाई डू वी नीड, क्यों जरूरत पड़ती है। आइए अब हम किसी और बात से कुछ इलेक्शंस के रिलेटेड हिस्ट्री जाने, इतिहास, इलेक्शन, ये शब्द जो इलेक्शंस है सबसे पहले कहां पे इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, ये तंत्र जो इलेक्शंस है कहां पे इस्तेमाल हुआ था। तो इलेक्शंस का इस्तेमाल सबसे पहले एथेंस, आपने नाम सुना है ना, एथेंस यानी ग्रीस, कहां पे है, ग्रीस, यूरोप में एक देश है, और नॉर्थ अमेरिका
नॉर्थ अमेरिका लगभग कब ये ओरिजिन हुआ था, 17th century, 17th मीन 17th century में इलेक्शंस का सबसे पहले प्रयोग एथेंस यानी ग्रीस, ये वो जगह है यूरोप का जहां पे दुनिया का सबसे पहले ओलंपिक खेल हुआ था। और नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका को कौन नहीं जानता, अमेरिका वो देश जो आज के डेट में सुपर पावर है, तो वहां पे इलेक्शंस की शुरुआत कब हुई थी, 17th मीन 17th century में हुई थी। ये हिस्ट्री के इलेक्शंस के विकिपीडिया के रिकॉर्ड के अनुसार मैं आपके साथ मौले शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये उस जगह पे अपने प्रतिनिधि को चुनने का प्रयोग सबसे पहले 17th century एथेंस जो यूरोप में ग्रीस देश नाम के में है और नॉर्थ अमेरिका में किया गया था। अब आते हैं इलेक्शंस में अधिकार किसे दिए गए, क्या सब कोई वोट दे सकते हैं, नहीं नहीं सब कोई वोट नहीं दे सकते, फिर कौन वोट देते हैं, आइए पहले ये जानें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी अपने भारत इलेक्शंस के बारे में डिस्कशंस करूंगा, भारत की सिस्टम के बारे में डिस्कशंस करूंगा, भारत में इलेक्शंस की बजट कितनी होती है ये डिस्कशंस करूंगा, राष्ट्रीय पार्टी कौन है, क्षेत्र पार्टी कौन है, वो डिस्कशंस करूंगा। अभी जो मैं इलेक्शंस के बारे में मैं इतिहास आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूं, उसके बाद 1789 में सबसे पहले पावर जो है दिया गया, क्या वोट करने का, मींस पावर टू वोट, ये नियम बनाएंगे 1789 में, कहां पे, अमेरिका में, ठीक है। और ये जब पावर जब बना वोटिंग राइट का, तो उसमें कंडीशंस था, क्या कंडीशंस था, शर्तें, ये वही लोग उसमें अपने प्रतिनिधि को वोट देंगे यानी चुनने का अधिकार उन्हीं को होगा जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आपका अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगा तो आप वोट नहीं दे सकते, मैं तब की बात कर रहा हूं 17th century, ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। और 6% टैक्स पे ही होना चाहिए, ओन प्रॉपर्टी और टैक्स देने वाले होने चाहिए, और वो भी व्हाइट पीपल, व्हाइट पीपल मींस नेग्रो लोगों के बारे में नहीं यहां पे राइट था, सिर्फ व्हाइट पीपल। आप समझ सकते हैं कितनी डिस्क्रिमिनेशंस थी अमेरिका में, जो आज की डेट में जो डेमोक्रेसी का जो एग्जांपल प्रेजेंटेशंस करता है, जो डेवलप्ड कंट्री के बारे में परिभाषित करता है, उस देश में कितनी डिस्क्रिमिनेशंस थी, सिर्फ व्हाइट पीपल ही वोट देंगे, ब्लैक पीपल वेर नॉट अलाउड। आप समझ रहे हैं ना, मैं उस अमेरिका की बात कर रहा हूं जो आज अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उस अमेरिका से के बारे में आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं। इलेक्शन क्या हाल है वहां पे आप देख लीजिए आपके सामने, और ये कंडीशन जो था वहां पे सिर्फ 6% ओनली 6% ऑफ पॉपुलेशन, वहां की आबादी की 6% ही लोग इस दायरे में आते थे जो व्हाइट पीपल थे जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी और टैक्स पेइंग करते थे, बस 6% आबादी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्रांतिकारी आती है, अच्छा लग रहा ना, और हमारे इस जीएस नॉलेज चैनल को आप शेयर करते रहिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी हमारी नई नई वीडियो आए आप बहुत आसानी से वॉच कर पाए, और अपने ग्रुप में अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को डिस्कशंस करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसा नॉलेज किसी और चैनल में नहीं मिलेगा। मैं स्लोली और इसे मैं एडवांस करते जाऊंगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का भी मैं जब बोर्ड आ जाएंगे मैं आपके साथ और भी डिटेल में आपके साथ डिस्कशंस करूंगा, ठीक है। अभी आइए मैं एक और नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये तो वोटिंग के बारे में
हो गया कि सबसे पहले वोटिंग का राइट कहां पे मिला, कब मिला। अब देखिए स्लोली स्लोली मीन्स धीरे धीरे एक और करवट बदलता है इतिहास में इलेक्शंस के रिलेटेड। क्या है वो 1869 अमेरिका का वो दो स्टेट है। फिर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज के ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है ना वो कंट्री अमेरिका है। अब फिर अमेरिका में दो स्टेट हुए, एक स्टेट एक है उल्टा। अगर जो अमेरिका के बारे में जानते होंगे नॉर्थ अमेरिका की, ये दो राज्य है ठीक है, इसमें 1869 और इसमें 1870। इन दोनों स्टेट्स में औरत मींस लीगली दे वेर अलाउड टू वोट। हर लोगों को अधिकार मिला वोटिंग करने का, किसमें, ये वाला स्टेट में 1879। इसमें भी था लेकिन लीगली कानूनी तंत्र के हिसाब से ऊंचा स्टेट्स में अमेरिका का 1870 में लीगली पावर मिला आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कीजिए। इज इट क्लियर? देन 1870 फिर 1870 में 31st मार्च थॉमस एक नाम था जिनका नाम था थॉमस, ठीक है, थॉमस मुंड्री पीटरसन। अब 1870 में 31st मार्च को ब्लैक पीपल को पहली बार अधिकार मिला। मींस आप समझ रहे ना, ब्लैक पीपल जो व्हाइट नहीं थे, जो ब्लैक पीपल थे उन्हें पहली बार, और जो नाम जो मैं ले रहा हूं थॉमस मुंडी पीटरसन जिन्हें हमें अश्वेत कहते हैं ठीक है, वो पहली बार वोट दी कब, 31 मार्च 1870 में। आज देख लीजिए अमेरिका कहां पे। इसी चीज को अमेरिका ने खत्म किया। अमेरिका ने कहा कि अगर अमेरिका को डेवलप्ड करना है तो ब्लैक व्हाइट से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें ये समझना होगा ब्लैक एंड व्हाइट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी जिंदगी के हिस्से हैं, हमारी जिंदगी के कल्चर हैं। तब आज अमेरिका डेवलप्ड हुआ, समझ रहे हैं ना। तो अमेरिका इस तरह देखिए इलेक्शंस के रिलेटेड कितनी चेंजेस आई और आज अमेरिका कहां पे है हम सबको पता है। फिर एक और इतिहास आया। अब उस इतिहास में क्या था, कौन सा देश पहला था जहां पे इलेक्शंस जो है ऑफिशियली मींस औपचारिक तौर पे सभी को अधिकार मिला वोट देने का, वो कौन सा देश था और कब हुआ, तो वो था 1893। नाम तो सुने होंगे, इस देश का नाम है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री, दुनिया का पहला देश जहां पे सभी को अधिकार मिला वोटिंग करने का फर्स्ट टाइम, किस इलेक्शंस में, वहां के न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट के इलेक्शंस में। ये रहा इलेक्शंस रिलेटेड हिस्ट्री का। अब मैं आपके साथ जो जिस बात का डिस्कशंस करने वाला हूं या करूंगा वो रिलेटेड टू इंडियन इलेक्शन से आपको मैं डायरेक्ट आपको नॉलेज शेयर करूंगा कि भारत में इलेक्शंस का शुरुआत कब हुआ, जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले कब हुआ, और जब देश आजाद हुआ तब कब हुआ, ठीक है, क्या क्या पावर है, क्या क्या अधिकार है, किस तरह का सिस्टम्स हमारा देश में निर्वाचन का फॉलो किया जाता है, कौन इसे देखता है, ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन इलेक्शंस रिलेटेड डिस्कशंस करूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।